महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की सरकार, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार, आतंकवादियों ने हमला करके हमारे अनेक देश के नागरिकों को, देश के जवानों को आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया था। भाइयों बहनों, उस आतंकवाद की भीषण घटना को आज 10 साल हो रहे हैं। और मुझे बराबर याद है कि जब मुंबई में आतंकवाद की घटना घटी थी, उस समय राजस्थान में चुनाव अभियान चल रहा था। अगर उस समय इस देश में से कोई भी उस आतंकवाद की घटना की आलोचना भी अगर करता था, निर्दोष लोगों को मार दिया इतना भी बोलता था, तो ये राजदरबारी ऐसे उछल पड़ते थे, ऐसे उछल पड़ते थे कि बोलने वाले के मुंह पर ताले लगा देते थे। और करते कहते थे क्या, मुझे बराबर याद है, वो कहते थे ये तो युद्ध है, युद्ध, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर युद्ध बोला है और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। इस समय दिल्ली सरकार के हो उसके हाथ मजबूत करने चाहिए, आतंकवाद के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बड़े बड़े उपदेश दे रहे थे। और उनके राग दरबारी बड़े गाजे बाजे के साथ कांग्रेस की लिखी हुई कथा पढ़ते रहते थे, लिखते रहते थे। मैं उन राग दरबारियों से पूछना चाहता हूं, मैं उस कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि 10 साल पहले 26 नवंबर को आतंकवाद की इतनी बड़ी भयंकर घटना घटी, सारी दुनिया हिल गई थी और कांग्रेस उसमें से चुनाव जीतने के खेल खेल रही थी। वही कांग्रेस उस समय देशभक्ति के पाठ पढ़ाती थी, लेकिन जब मेरे देश की सेना ने पाकिस्तान को उसके घर में जाकर के सर्जिकल स्ट्राइक किया, आतंकवादियों का हिसाब चुकता कर दिया, और एक अखबार ने तो लिखा था, वहां के नागरिकों को पूछ करके उसने लिखा था कि ट्रकें भर भर करके लाशें ले जानी पड़ रही है। जब देश की सेना ने इतना बड़ा पराक्रम किया, दुश्मन को जाकर के उसके घर में मारा, हर हिंदुस्तानी को गर्व हुआ था कि नहीं हुआ था, ये देशभक्ति की मिसाल थी कि नहीं, ये वीरता की मिसाल थी कि नहीं, ये शौर्य पराक्रम की गाथा थी कि नहीं। लेकिन ऐसे समय कांग्रेस ने सवाल उठाया, वीडियो दिखाओ, वीडियो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ कि नहीं हुआ, क्या देश का सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के निकलता है, क्या हाथ में कैमरा लेके जाएगा क्या? उस समय उनको देशभक्ति याद नहीं आई, लेकिन 26/11 को ये राग दरबारी कांग्रेसियों से भी ज्यादा उछल उछल करके गीत गाते थे। आज 10 साल के बाद उनको जवाब देना होगा,
वो दिन याद कीजिए, आए दिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में, कभी बंगलुरु में, कभी हैदराबाद में, कभी अजमेर में, कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी जम्मू में, आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे, होते थे कि नहीं होते थे। भाइयों बहनों, हमने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ी है, ऐसी लड़ाई लड़ी है कि आज उनको कश्मीर की धरती के बाहर निकलना महंगा पड़ रहा है, मौत सामने दिखी।